cash, I got problems. I solve them, I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. The phone in affection, I summon and dub it. Cause bitch, I got problems. I solve them, I run through the money. Hi guys, so welcome back to our channel Little Curves and hello. व्लॉग स्टार्ट करा पहले फोन की याद आ गई है। जो लड़की घर से बाहर निकलती है वो अपनी मम्मी को फोन करती है क्योंकि ऐसे घरों में नेटवर्क नहीं आता तो मम्मी को कॉल करना बनता है। अच्छा हम कहाँ जा रहे हैं खुशबू बताओ आज का? बंजारा। So today we are going to Banjara Market and you are coming along with us. So let's get started. इधर स्टार्ट करना इधर चलो ये आज व्लॉग करेगा। आज मेरा व्लॉग देखना। आज आप बहुत एंटरटेन होने वाले हो तो तैयार रहना, बस तैयार रहो। As you know, we are going to Banjara Market और यहाँ पहुँचने के कई सारे तरीके हैं। आप अपनी कार लेके जा सकते हो। ये मार्केट पूरी ऐसे एक रोड पे है और रेजिडेंशियल एरिया है तो पार्किंग की ऐसा जितनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा वहाँ पे मेट्रो जाती है, गुड़गांव की रैपिड मेट्रो। स्टेशन का नाम नीचे लिखा हुआ आ गया होगा। अच्छा ये मार्केट हफ्ते के सातों दिन खुली रहती है। टाइमिंग रात को 8-8:30 बजे तक वैसे रहती है लेकिन वी वुड सजेस्ट कि आप डे लाइट में जाओ कि जब दिन हो, और कोशिश करो कि वीकडे में जाओ। वीकेंड पे उधर बहुत रश हो जाता है, काफ़ी लोग आते हैं तो फिर वो उस टाइम पे थोड़ा शॉपिंग करना, बार्गेनिंग करना थोड़ा सा टफ हो जाता है बिकॉज इस मार्केट में बार्गेनिंग अच्छी हो जाती है। तो उसके लिए फिर वीकडे आओ तो सबसे बेस्ट है। और कोशिश करो सुबह का टाइम रहे कि जब वो भी थोड़े खाली हों उस टाइम आओ तो सबसे बेस्ट रहता है। आप आराम से देख भी सकते हो, बार्गेनिंग भी अच्छी हो जाएगी। और सामान अभी आपको दिखाते हैं सारा वहाँ पे क्या किस तरह का सामान मिलता है। पूरी आपको एक बार बंजारा मार्केट का हम चक्कर लगवाते हैं तो चलो लेट्स गो। Banjara Market now, and you have seen the cinematic shot. So now we are exploring the place, getting things. हमारी दूसरी वीडियो में आप देखोगे what all we got and for how much rupees. So let's see. सच में यार इस टाइम पे दिल्ली में निकलना, इस भट्टी में निकलना, इतनी गर्मी, मतलब हम एक बार चक्कर मार आए हैं बट हमें फिर से जाना होगा बिकॉज यू नीड अ ब्रेक. हमें सामान लेना ही लेना है इस बार. सो फिर से चक्कर मारेंगे बट एक बार एसी में बैठ के हमने पानी पिया और वी गो अगेन नाउ बिकॉज वी वांटेड टू कंप्लीट दिस वर्क. बहुत काम रहता है, बहुत काम, एंड ये हमारे महीने का टारगेट है. बट काफ़ी चीज़ें मिली हैं. इट्स अ चीप मार्केट विच यू गेट गुड थिंग्स बट यू हैव टू चेक योर पिंटरेस्ट. पीछे टीचिंग कर रहे थे बच्चों की. दैट्स नाइस. यहाँ के सब बच्चों को पढ़ा रहे थे अंकल. बहुत अच्छी बात है. सो वी आर डन विद लिटिल बिट ऑफ शॉपिंग, है ना. बट हमें मिला है बट उतना नहीं जितना हमें चाहिए था. बट कुछ चीजें मिली हैं जो हम प्लेस करना चालू करेंगे आज रात से. इस टाइम 45 डिग्री दिल्ली में टेम्परेचर है. दोपहर के अराउंड 3:50 बज रहे हैं. पर वैसे इस टाइम के बाद, मतलब आज रात को ना, जैसे अगर इस टाइम पे आप धूप में निकलते हो और ट्रैवलिंग होता है कि अगर तो अपने मुल्तानी मिट्टी ठंडे दूध में जरूर लगानी चाहिए, नहीं तो ये सनबर्न सारा हो जाएगा. मैं तो कहने लगा था कि वैसे, लेकिन अगर आपको कभी बंजारा मार्केट सीरियसली घूमना है, ये टाइम पे आ जाओ. अभी बिल्कुल खाली रहता है. आराम से शॉपिंग कर सकते हो, आराम से बार्गेनिंग कर सकते हो. जो चीज अगर उन्होंने 1000 रुपए बोली है, आप इस टाइम पे अराउंड 200 से 300 रुपीज की ले सकते हो. क्योंकि हम ऐसे ही संडे को आते थे और संडे बहुत रश होता है. संडे को रश ज्यादा होता है ना, तो संडे को वो अगर वही 1000 रुपीज की चीज आपको 700-800 से नीचे वो नहीं देंगे बिकॉज तब लोग बहुत ज्यादा आते हैं और ले जाते हैं वहाँ से लोग. पर कोई कोई ऐसी दुकानें हैं जो बिना बार्गेनिंग वो बिल्कुल भी नहीं करती हैं, तो इट्स ओके. ऐसा नहीं है कि आप यहाँ, जैसे मुझे एक मिरर फ्रेम पहले मुझे 2500 का पड़ा था और इस बार शी सेइंग द सेम वन फॉर 11,500 एंड देन शी केम अप टू 9,000. नहीं, मैं नहीं लेने वाली, जबकि इससे बड़ा शीशा है हमारे पास. पहले वो 2,500 का हमने लिया हुआ है. तो कभी कभार हो जाता है आपके लक. इस पे इधर लक बहुत चलता है आपका. एक ना जैसे थोड़ा क्रिएटिविटी है आपको तो, और आपके नजर तेज होना, तो आपको चीज अगर दिख जाए और आपको कैसे उसको लगाना है वो अगर आपका हो जाए, पहले से थोड़ा प्लान करके आओगे तो आप यहाँ कंफ्यूज नहीं होगे. इसके लिए इसलिए मैंने अपने लिए एक बंदा रखा हुआ है, खुशबू. वो ये सब का मतलब अगर आप आदित्य के साथ शॉपिंग जाओगे ना, आप सिर्फ एक ही चीज में, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता. नहीं नहीं, नहीं, मैं ये नहीं बोलता. मैं कहता हूँ हाँ ठीक है, तेरे को ठीक लग रहा है तो ले ले, और नहीं तो मुझे नहीं पता. वो वैसे पाइनएप्पल ले लेते. अब नहीं जा रहे, अब नहीं जा रहे वापस. पर अब हमें आना तो है. आ जाएंगे कभी दोबारा, अब देखेंगे. नेक्स्ट थर्सडे तक आके कंप्लीट करना है, ये कर देंगे. बाकी सीरियसली नहीं, मैं नहीं कर सकता. मैं विजुअलाइज नहीं कर पाता. खुशबू कर पाती है, तो इसलिए मैं खुशबू को ज्यादा रोकता नहीं. खुशबू कुछ चीज मेरे से पूछते, कभी कभार मेरा भी इनपुट हो जाता है एक आध बार, तो तब मैं दे देता हूँ. बाकी हार्डली पता है, एक हस्बैंड वाइफ में ऐसा होता है कि देयर इज वन पर्सन हु does like one kind of work and the other person kuch aur role. So Aditya's role is all about finance ka tum dekhte ho, jabki relative part and home decor aur ghar ki cheezon ka I see. Okay, all the creative part I see, whereas all technical work and what do you say, ye jo aise chote mote kaam hote hain wo Aditya dekhta hai. So you know we have divided work. Like for holidays also, most of the times he is the one who is seeing everything, and not me. Jabki he hates that. He hates कि मैं नहीं देखती, है ना. इस बार मैं देखूंगी. पहले तो लारे लपे बहुत लाती है कि मैं देखूंगी, फिर बाद में यार तुम ही देख लो, मुझे नहीं. जब हमारी इस बार की जब पर्सनल छुट्टी आएगी तो मैं देखूंगी, मैंने तुम्हें बोला था. So next month which we are going with a family trip, and उसके बाद let's see where we plan. We are planning something big this year, but पता नहीं होगा कि नहीं, वो नहीं अब तक पता. Let's see, क्योंकि कुछ पता नहीं है यार, होता है कि नहीं होता. Everyone has to figure out their holidays. ऐसा नहीं है मुंह उठाए चल पड़े. सब कुछ फिगर करना पड़ता है व्हेन एवर यू आर गोइंग फॉर अ हॉलीडे. और दिस टाइम वी वांट दैट हम लोग हर हॉलीडे से कुछ ना कुछ लर्न करते हैं, सो वी वांट इट टू बी मोर वर्थ, है ना. सो लेट्स सी. सो वी वेंट टू हल्दीराम टू ईट लंच. लंच में हमने क्या खाया? आई एट राजमा चावल, मैंने दाल मखनी राइस, फ्राइड राइस. तो नाउ वी आर एट कतरन मार्केट, माई फेवरेट मार्केट. अगर आपने इसका व्लॉग नहीं देखा है और वीडियो नहीं देखी है, डू चेक इट आउट, द लिंक विल बी समवेयर हियर. ओके, तो मैं यहाँ पर कारपेट्स लेने आई हूँ, यहाँ रग्स, नॉट कारपेट्स, रग्स. एक दो शॉप जहाँ मुझे पता है कि अच्छे रग्स मिलते हैं, तो मैं वहाँ रग्स लेने आई हूँ. एंड देन वी हैव टू रश होम फास्ट बिकॉज आई हैव माई क्लास एट 7. नाउ इट्स व्हाट 5:35 or yes 5:35. okay, hi guys, so we are back home and we are discussing about the inspiration of this room. ये मेरी बेइज्जती मारने. hi guys, so खुशबू कह रही हमें एस्थेटिक्स ठीक करने हैं. मैंने कहा एस्थेटिक्स क्या होते हैं, बताइए जरा. एस्थेटिक्स, एस्थेटिक, अरे वो इंस्पिरेशन को बोलते हैं जो ये रूम के मैं इंटीरियर में करना चाहती हूँ, उसका थीम ही एस्थेटिक है. फालतू मन बोलियो तुम, तुम्हें कुछ पता नहीं है. तुमने पिंटरेस्ट, मतलब सारा काम मैंने किया. एस्थेटिक मतलब लुक्स, बेसिकली लुक्स के ऊपर नहीं है. इट इज इंस्पिरेशन अबाउट दिस रूम, जो मैं मीनिंग पर नहीं जा रही, उसको बोलते हैं जो थीम. और शिट, मेरा स्कर्ट लेके आना. थीम जो मैं करना चाहती हूँ. वी आर वेरी वेरी टायर्ड. आप बहुत थक गए और बहुत थक गए, क्लास में नहीं जा रहे, डंडे पड़ेंगे. नो बट यार हिम्मत नहीं है यार, हम बहुत घूमे सिंस मॉर्निंग. वी आर आउटसाइड. इतनी जबरदस्त नींद हो रही. क्या लाया हम उधर से, कतरन मार्केट से? तो वी गॉट सम कार्पेट, नहीं रग्स, रग्स यस. एंड और क्या लाया? वी गॉट सम नाइस थ्रेड्स जिससे मैं टैसल्स बनाऊंगी. एंड आई विल डू समथिंग बोहेमियन. धागे लाएगी, उससे कुछ ना कुछ लटकाएगी. इसे कुछ नहीं आता है. इसके हिसाब से ये कमरा अभी बहुत अच्छा लग रहा है और ये इसमें कुछ ना करे, कोई मेहनत ना करे, इसका मन करे. अगर तुम चाहो, तुम्हारे थीम से अगर हम इस रूम को सजाएं तो क्या होगी? जितनी चीजें लगाओ, अगर उनको साफ करो, मिट्टी खाती नहीं. बट अगर तुम्हारी थीम, तुम्हें अगर एक कमरा दिया जाए कि यू डिजाइन द रूम, तो तुम उसमें क्या थीम रखोगे? मैं यूटिलिटी बेस्ड बनाऊंगा. जैसे कि ये कंप्यूटर टेबल होना चाहिए कि बैठने के लिए, मतलब कभी लैपटॉप पे काम करने कुछ है तो वो वर्क एरिया मतलब होना चाहिए. एक अच्छा सा रिलैक्सिंग सोफा सा या कोई चेयर सी एक ऐसी होनी चाहिए जिस पे बैठ के, क्योंकि हर बार बेड पे बैठ के नहीं टीवी देखा जाता. कभी आप सोफे पे बैठ के टीवी देखते हो, कुछ हो वो होना चाहिए. छोटा सा कॉफ़ी टेबल हो जाए उसके साथ ही, और बस बेड हो गया. एक टीवी का, टीवी के लिए कैबिनेट टाइप बन गया कि वहाँ थोड़ा बहुत उसका सामान रिलेटेड आ गया. वायर्स वगैरह ऐसे ना दिखें, क्लीन दिखे रूम, वो है. और अगर मेरे थीम के हिसाब से कोई कमरा बने तो वो क्या थीम? वाइट के ऊपर कलरफुल विद ग्रीन एलिमेंट्स, फ्लोरल, पेस्टल कलर्स. एंड वन थिंग विच आई एम ऑब्सेस्ड अबाउट, फ्लोरल. मुझे फ्लोरल थीम्स बहुत पसंद है. आई लव एवरीथिंग विच इज फ्लोरल. आई डोंट नो व्हाई, बट इवन आदित्य लव्स ना. तुम्हें नहीं अच्छी लगती? इधर आके बताओ, मेरे को भी लेना. So we are going to decorate the house in some time, है ना. sometimes हम रेस्ट ले लेते हैं. So we are going to decorate the house today. और आज करेंगे. I'm very excited. I love like, मुझे ऐसा लगता है कि घर जहाँ पर हो वहाँ ना वो आपकी पर्सनैलिटी शो करे. I don't like boring rooms. मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, चाहे उसके लिए कितना भी करना पड़े, मैं करने के लिए तैयार हूँ. बट ये आदमी कभी नहीं करेगा. ये क्या बात है? और कौन कर रहा है? क्या किया तुमने? सब कुछ. जैसे कि? सब कुछ. जैसे कि तुमने क्या करवाया, क्या काम करवाया? तो जो भी बोलो मैं नहीं करा. वैसे मैं तो भाग गई बॉम्बे, कलर इसने करवाया. We'll talk to you after some time. Okay, bye. ये आज सुबह मुझे टॉन्ट मारी इस आदमी ने कि मुझे व्लॉग नहीं करने आता. और अब क्या किया तुमने? मैं इतना सारा बोल गई और वीडियो ऑन ही नहीं है, इसे सिर्फ दूसरे को ऐड करने आया। कम से कम 15 मिनट नहीं, 2-3 मिनट 15 मिनट पता कितने होते हैं? 2-3 मिनट का बोला था और पूरे ऐसे पकड़ के बैठे हैं कैमरा। हाँ। बोल रहे हैं फिर देखा। और ये कहता है कि मुझे व्लॉग नहीं करने आता। आज इसने मुझे सुबह टॉन्ट मारी है। मेरा ये काम है, मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ एंड जो मैंने डेकोरेशन बोली थी हम वो सब कुछ अरेंज करें। इट्स 1 o'clock नाउ और आज हम लाइव आए थे इंस्टाग्राम पे, सो इट वाज फन टॉकिंग टू यू ऑल। अगर आप हमें फॉलो नहीं करते तो प्लीज़ फॉलो अस। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सो डू सब्सक्राइब। 30K जल्दी जल्दी करवा दो। एंड मेरे बाल देख के भाग मत जाना। एंड मैं एक टूर तो एक रूम का टूर या ऑफिस स्टूडियो कुछ तो दूंगी इस हफ्ते। सो प्लीज नेक्स्ट वीक, नॉट इस हफ्ते, तो फ्राइडे खत्म हो गया। सो आई एम प्लानिंग, मैं सारा काम जल्दी खत्म करना चाहती हूँ एंड लेट्स सी कि क्या पहला टूर में आता है। स्नीक पिक दिखा दो, स्नीक पिक बस। So we have done that and I hope you have enjoyed our video. So subscribe, share. अगर आपको थोड़ी भी पॉजिटिविटी मिलती है हमारे चैनल से तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और शेयर करो इस वीडियोस को। हम सिर्फ ये वीडियोस में कुछ भी फेक नहीं दिखाते। What we are, we are. हम ऐसे ही हैं, हम इतने इम्परफेक्ट हैं और इसलिए हम वही चीज़ें शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब टू आवर चैनल, हिट द बटन, लाइक एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर एंड मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग आवर वीडियोस। बाय बाय।